आप लोगों को क्या लग रहा है, मैं आटा लगा रही हूँ या लड्डू की तैयारी कर रही हूँ? इन दोनों में से तो कुछ तो कर रही हूँ, यही सोच रहे हैं ना? ऐसे मैं बोलूंगी ना, आप लोग सही सोच रहे हैं, क्योंकि आटा तो नहीं लगा रही हूँ, हाँ लड्डू की तैयारी जरूर कर रही हूँ। लेकिन ये किस चीज की लड्डू है? आटा, सूजी, बेसन? नहीं, ये आटा सूजी बेसन की लड्डू नहीं है। चलिए अभी मैं बताती हूँ आपको ये किसकी लड्डू है। ये पोहे की लड्डू है, जो पोहा हम बना के खाते हैं ना, उसी की लड्डू है। चलिए बताती हूँ कैसे बनाया। जय जगन्नाथ। अब सबका स्वागत है मेरी चैनल झिले स्पाइस बॉक्स में। दोस्तों, पोहा का लड्डू स्टार्टिंग में देख के कैसा लगा? डिफिकल्ट नहीं है, चलिए बनाते हैं। 2 कप पोहा लिया है। 2 कप पोहा, ये थोड़ा सा मोटा क्या पतला क्या, जैसा पोहा आपके पास है वही ले लीजिए, मेरे पास यही था। 1/2 कप चीनी लेंगे, उसके साथ 1/2 कप ताजा कसा हुआ नारियल, 4 बड़ा चम्मच घी लेंगे, 1/3 कप दूध और 1/3 कप हम पानी लेंगे, जिसको चाशनी बनाने के लिए 1 छोटा चम्मच काली मिर्च के दाने और 4 हरी इलायची लेंगे। इलायची का जो छिलका है वो मुंह में आता है, उसीलिए छिलके को मतलब निकाल देते हैं, सिर्फ इसका बीज बीज ही लेंगे हम लोग। तो मैं छिलका निकाल देती हूँ, आप लोग देखिए। सारा छिलका निकालने के बाद अभी हम सेकेंड स्टेप में चलते हैं। अभी तो मैंने छिलका निकाल लिया है। सेकेंड स्टेप में पहले हम पोहा का पाउडर बनाएंगे। जब लड्डू बनानी है तो साबुत पोहा का तो नहीं बना सकते ना, और जगन्नाथ मंदिर में ये पोहा ओखली में कूट के बनाते हैं, लेकिन मैंने इसको मिक्सी में हल्का सा दरदरा पीस के ऐसे ही बना लिया है। आप लोग देख सकते हैं इसमें हल्का सा दाना दाना है। अगर फाइन पाउडर हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट में कुछ भी खराबी नहीं आएगा। पोहा तो पाउडर हो गया, अब चीनी की बारी। ये मैंने 1/2 कप जो चीनी लिया है ना दोस्तों, इसमें से 1/2 की चाशनी बनाएंगे और 1/2 की पाउडर बना लेंगे। तो मैंने देखिए 1/2 पाउडर बना लिया और 1/2 जो रखा है उसको हम बाद में शुगर सिरप बना लेंगे, जो चाशनी में बोल रही हूँ वही बना लेंगे। चीनी का काम खत्म। स्टेप 3 में हम चलिए इसका मसाला बना लेते हैं। जो इलायची और जो काली मिर्च लिए थे उसको कूट के इसका हम मतलब पाउडर बना लेंगे, चाहे वो दरदरा हो चाहे फाइन हो, जो भी हो, हमारी जो मतलब इस लड्डू में बड़ा टेस्ट आएगा। तो आपने देखा ये भी बन गया। अब चलिए चाशनी बना लेते हैं, जो ये चीनी बचा है इसका चाशनी बना लेते हैं। तो एक सॉसपैन चढ़ाएंगे और उसमें हम क्या करेंगे, ये जो चीनी है चीनी को डाल देंगे, जितना चीनी डाला उसमें हम उतना ही पानी डालेंगे, और पानी डाल के उसको हमें कोई 1 तार की 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है। इसको बस हमें क्या करना है, ये जब उबल जाए और जब ये चीनी मिक्स हो जाए, चीनी जब इसके साथ मिक्स हो जाए पानी के साथ, तब हमें गैस बंद कर देनी है और हमारी जो शुगर सिरप है वो हमारी तैयार हो जाएगी। अब देखिए हमारी जो पानी है वो उबल हो गया है और चीनी मिक्स हो गई है, और हाँ मैं इसको पूरा लो फ्लेम में ही की हूँ, अभी गैस बंद कर दिया है मैंने। गैस बंद करके इसको हम ठंडा होने देते हैं। अब चलिए लड्डू बनाने के प्रोसीजर में चलते हैं। अभी हम क्या करेंगे, एक बड़ी सी परात लेंगे और जिसमें हम पहले ये जो पोहा का पाउडर बनाया था उसको डाल देंगे, उसके साथ ये जो चीनी को जो पीस के हमने पाउडर बनाया था उसको डाल देंगे, उसके साथ कसा हुआ नारियल, और कसा हुआ नारियल के साथ ये जो इलायची और काली मिर्च का जो पाउडर बनाए थे उसको भी डाल देंगे। मंदिर में दोस्तों सारी चीजें फ्रेश बनती है, उसीलिए मैंने यहाँ पे काली मिर्च और इलायची को पीस के डाला था। आपके पास अगर पाउडर है आप उसको भी यूज कर सकते हैं। 4 बड़ा चम्मच घी डाल के इसको पहले हम हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जैसे कि सारी सामग्री पोहे के पाउडर के साथ जैसे अच्छे से मिक्स हो जाए, और अच्छे से मिक्स होके इसको फिर अभी हमें ये जो मिक्सिंग प्रोसीजर है ना दोस्तों, इसको हमें 10 मिनट करना है। लेकिन ऐसे मिक्स नहीं करना है, इसका जो मतलब कैसे मिक्स करना है मैं अभी आपको बताती हूँ। ये देखिए अभी हमें क्या करेंगे, ये दोनों पाम को ऐसे इकट्ठा करके ऐसे घिस घिस के हमें मिक्स करना है, जिससे क्या होगा आपका जो पोहा है ना वो सॉफ्ट होगा, और जो नारियल और चीनी घी ये सब चीजें पोहा के साथ अच्छे से मिक्स होगा, जिससे क्या होगा एक अच्छा सा फ्लेवर तो आएगा और पोहा भी इतना सॉफ्ट होगा, हल्का भी हो जाएगा, जो एक भारी होता है ना जो पोहा, जो उसमें भी एक हल्कापन आ जाएगा। 10 मिनट ऐसे घिसना है। 10 मिनट घिसने के बाद अभी आप देखिए ये हल्का सा लाइट भी दिखने लगा है ना, और जब मैं कर रही हूं तो मुझे पता चल रहा है कितना हल्का हो गया है, और अभी जब इसको ऐसे मुट्ठी बना रही हूँ तो ये मुट्ठी भी बन रही है।
बस इसी जगह पे हम जो ये जो सुगर सिरप बनाए थे उसको डाल देंगे और उसके साथ हमें दूध डाल देंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे 1/3 कप दूध का आधा लिया है, मुझे थोड़ा सा, मैंने सॉफ्ट ज्यादा नहीं किया है, लेकिन आप चाहें तो पूरा 1/3 कप दूध भी इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि पोहा पूरा खींच लेता है और ये जो सुगर सिरप और ये जो दूध है ये इसको अच्छा सा एक बाइंडिंग देगा। अब इसको हमें फिर से मिक्स करना है दोस्तों, जैसे आटा लगाते हैं ना उसी तरह ये दूध और सुगर सिरप को हमें अच्छे से मिक्स करना है। आप लोग देखिए मैं कैसे इसको पूरा अच्छे से दोनों हथेलियों से घिस घिस के मिक्स कर रही हूँ। जितना इसको आप ऐसे घिस घिस के मिक्स करेंगे ये जो पोहा का जो लड्डू है वो उतना ही सॉफ्ट बनता है। और ये जगन्नाथ जी को बहुत पसंद है और उसका नाम वहां पे चूड़ा कदम्बा बोलते हैं। चूड़ा कदम्बा नाम सुन के कैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, और आप लोगों के लिए भी एक नया नाम है। और ये जो चूड़ा कदम्बा है ये अभी बनने के लिए पूरा तैयार हो गया है। चलिए इसको लड्डू का शेप देते हैं, इसको ऐसे ही घिस के दोस्तों कोई कोई जगह में ऐसे ऐसे भी खाते हैं, लेकिन मंदिर में ऐसे लड्डू के आकार में ही भोग लगता है। तो बस ऐसे जैसे आप बेसन का लड्डू, आटे का लड्डू या रवा लड्डू बनाते हैं उसी तरह इसको भी बना लीजिए। बन गया हमारा लड्डू बस दोस्तों। और इसको आपका डालमा जो महाप्रसाद होता है ना उसी के साथ खाया जाता है। और जो पूरी के पास एक चंदनपुर करके एक जगह है जहाँ का ये बहुत फेमस रेसिपी है। भगवान जगन्नाथ जी के पास तो प्रसाद लगता है लेकिन वहां का फेमस मतलब वहां का फेमस डिश है। और वो जो डालमा का रेसिपी का लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पे भी आप लोगों को दे दूंगी। आप लोग क्लिक करके उस डालमा के साथ इसको बना के देखिए और आप लोगों को कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप लोगों को बताते बताते चूड़ा कदम्बा तो हमारा बन गया है, मीन्स पोहे का लड्डू। बिना तुलसी का जगन्नाथ जी कहाँ खुश होते हैं और हम भी बिना तुलसी डाल के क्यों खुश हो जाएं, है ना। चलिए तुलसी का भोग भी लगा लिया, अब टेस्ट करके बताइए कैसा लगा आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद।